ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने होर्डिंग बैनर पोस्टर हटाना शुरू कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा चुनाव की तिथि घोषणा करने के बाद सोनभद्र जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा सदर तहसील से राजनीतिक पोस्टर को हटाया जा रहा है। वहीं जनपद के चारों तहसीलों और नगर पालिका प्रशासन द्वारा भी राजनीतिक बैनर पोस्टर को हटाया गया। देखिए, प्रशासन जो भी जिन भी बिंदुओं पर हमको कदम उठाने हैं उनके बारे में SDM साहब ने आपको बता ही दिया। लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट पर कुल मिलाकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से यही आपको बताना है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने के लिए पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है। सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और सभी वोटर और मतदाता निर्भीक होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के लिए सभी लोग जाकर के वोट करें। ये चुनावों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता लागू हो गई है, तो उसी के क्रम में जो डायरेक्शंस दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा और उसके अलावा जो जिला निर्वाचन कार्यालय से, उसी के क्रम में हम जो है आगे की कार्रवाई करते जा रहे हैं। और किस तरह की कार्रवाई अच्छी जा रही है? आगे की कार्रवाई ये प्रस्तावित है कि 24 घंटे के अंदर जितने भी सरकारी भवन उनमें से उस तरह के बैनर जहां से किसी भी तरह की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी तरह का लिंक बनाने की, कोई भी पोस्टर या किसी तरह का बैनर, किसी तरह की होर्डिंग को हटाने का कार्य किया जाएगा। 48 घंटे के अंदर जितने सरकारी संपत्तियां हैं उस पे से हटाने का कार्य किया जाएगा और 72 घंटे के अंदर हर तरह के निजी भवन हैं उनमें से इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ के बैनर को जो है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार हटाया जाएगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।